1, 2, 3, 4, 5. Hello my YouTube family, welcome back to my channel and welcome back to another video. तो guys आज की वीडियो के साथ अपने 5 बेस्ट हेयर स्प्रे का रिव्यू शेयर कर रही हूँ एंड साथ में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को ये परचेज करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. तो आज हम गाइस फुल डिटेल में बात करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस ये वर्थ इट है या नहीं है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे. तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैंने बहुत सारे हेयर स्प्रे के रिव्यूज चैनल पर साथ में उसका डेमो भी करके दिखाया है. अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे मेरी प्लेलिस्ट आ रही है, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो चलो गाइस जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो. है मेरे टॉप 5 हेयर स्प्रे. आई होप कि आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहे हो. ये है मेरे टॉप 5. तो यहाँ पे हम आप लोगों को पहले इनके नेम बता देते हैं, उसके बाद इसके बारे में फुल डिटेल में बात करेंगे. अभी मुझे इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है तो मैं इनको नीचे फेंक देती हूँ. तो गाइज हेयर स्प्रे क्या यूज़ होता है हेयर स्प्रे का, तो हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं. तो गाइज अपने हेयर्स को अच्छे से सेट करना, वॉल्यूमाइज करना एंड होल्ड करना, ये सब हमारा जो होता है आज के टाइम पे हम लोग हेयर स्प्रे से करते हैं. यहाँ पे गाइस जितने ही मेरे पास ये हेयर स्प्रे है ये मैन एंड वीमेन दोनों के लिए सुइटेबल है. और यहाँ पे मैंने सब अपने ऑडियंस को देख के ही ये 5 मेरे बेस्ट हेयर स्प्रे को चूज़ किया है. तो चलो गाइस जल्दी से अब 1 by 1 मैं आप लोगों को इनके नेम शेयर करती हूँ, फिर हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे इनके डिटेल्स की. है यहाँ पे ये नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे एंड जो मेरे पास सेकंड है यहाँ पे है ये मेरा उस्तरा का हेयर स्प्रे. थर्ड है मेरे पास ये एंजो हेयर स्प्रे, एंजो प्रीमियम हेयर स्प्रे. ये है मेरा 4th टेफ्ट अल्टीमेट हेयर स्प्रे. थोड़ा सा मिनी हमारा है यहाँ पे गेस्ट बाय हेयर स्प्रे, गेस्ट बाय का हेयर स्प्रे होने वाले हैं मेरे ये टॉप 5 हेयर स्प्रे. तो हम इनके बारे में बात करते हैं. तो चलो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने ये छोटे से मिनी से हेयर स्प्रे से स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि इस टाइम पे ये मेरा फेवरेट हो चुका है. क्योंकि इसे कैरी करना बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, इतनी छोटी सी इसकी बॉटल है. तो गाइस ये है हमारा गैट्सबी का हेयर स्प्रे एंड सेट एंड कीप स्प्रे. एंड गाइज ये आप लोगों को देता है एक्सट्रीम होल्ड एंड ये करता है मेंटेन सॉलिड स्टाइल विदाउट विजिबल रेसिड्यूज. यहाँ पे हम बात करें इसकी नेट वॉल्यूम की तो ये आप लोगों को 66 ml का मिलता है. जो प्राइस है MRP है वो आप लोगों को 110 मिलती है एंड 3 years की इसकी सेल्फ लाइफ है. तो डायरेक्टली हम बात करते हैं इसके वर्क की. तो गाइज ये छोटी सी बोतल बहुत बड़ा धमाका करती है क्योंकि इसका वर्क जो है वो एक्सट्रीम लेवल का है. ये फर्म होल्ड देता है एंड गाइज ये नेचुरल शाइन देता है. आप लोग जब इसे अपने हेयर्स पे जब स्प्रे करते हैं तो ये आप लोगों के हेयर को नेचुरल जो शाइन होती है ना, एक स्प्रे हेयर्स की जैसे कि नेचुरल शाइन करते हैं हेयर्स हमारे, उस तरीके की शाइन देता है. अब कोई भी वाइट रेसिड्यूज जो हो जाते हैं ना हेयर्स पे स्प्रे के बाद वो गाइज 0% है, बिल्कुल भी नहीं होते हैं. और काफ़ी अच्छा है एयर स्प्रे है. और अभी ये मेरा बहुत थोड़ा सा बचा है क्योंकि मैंने इसको रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. बात करें इसके डेमो की, किसका वर्क कैसा है, तो डेमो आप लोगों को इस टाइम पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा. और अगर आप लोग इसकी फुल डिटेल रिव्यूज देखना चाहते हैं साथ में उसका डेमो देखना चाहते हैं तो मेरी ये वाली वीडियो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं. और बहुत अच्छे से बहुत डीपली मैंने इस हेयर स्प्रे के बारे में वहाँ पे बात करी है एंड साथ में उसका डेमो दिखाया है. तो गाइज आने वाले भी अगर आप लोग कोई अच्छा और कम प्राइस का हेयर स्प्रे परचेज करने के सोच रहे हैं तो गाइज आप ये वाला हेयर स्प्रे परचेज कर सकते हैं. ये आप लोगों को एक्सट्रीम होल्ड देता है, स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, फर्म होल्ड देता है एंड ऑल्सो गाइज ये आपके हेयर स्प्रे नेचुरल शाइन भी प्रोवाइड कराता है. तो गाइज मेरा सेकेंड जो हेयर स्प्रे है जो मुझे बहुत पसंद है वो यहाँ पे है, ये मेरा नोवा का गोल्ड वेरियंट. तो यहाँ पे गाइज ये नोवा गोल्ड का हेयर स्प्रे है. तो ये इस तरीके की बॉटल में आप लोगों को रिसीव होता है. और अब इसके बात करें हम लोग यहाँ पे इसके ML की, तो गाइज ये बहुत बड़े ML में आप लोगों को मिलता है. तो यहाँ पे ये आप लोगों को 420 ml का मिलेगा और इसकी जो सेल्फ लाइफ मिलती है गाइज वो 4 years की सेल्फ लाइफ है. 4 साल तक आप हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं बिंदास.
स्प्रे है ये एंड लॉन्ग लास्ट करता है एंड ऑल्सो गाइज ये नेचुरल शाइन भी देता है। रिसेंटली मैंने इसको अपने कर्ल्स क्रिएट किए थे तो उस पर यूज़ किया था और बहुत लंबे टाइम तक इसने मेरे कर्ल्स को होल्ड करके रखा था। तो गाइज कितने टाइम तक ये होल्ड कर सकता है, तो गाइज ये 10-12 आवर्स तक आप लोगों के हेयर्स को होल्ड करके रख सकता है अगर आप लोग अपने हेयर्स को बिल्कुल भी छेड़े ना, यानी कि कॉम ना करें और फिंगर बिल्कुल भी ना अलग टच करें, तो ये उससे भी लंबे समय तक आप लोगों के हेयर्स को होल्ड करके रख सकता है क्योंकि इसका जो वर्क है वो गाइज सच में एक्सट्रीम लेवल का है। तो गाइज बात करें इसके डेमो की, तो इसकी रिव्यू वीडियोस चैनल पे है, आप लोगों को शो हो रही होगी, यहाँ पे जाके आप लोग डायरेक्टली देख सकती हैं, आई बटन पे उसका लिंक है। आप लोग ये वाले रिव्यू देखने की सोच रहे हैं तो आप लोग ये वीडियो स्किप करके डायरेक्टली वहाँ पे आप जा सकते हैं और उसमें मैंने बहुत अच्छे से डेमो करके दिखाया है और इसका वर्क भी दिखाया है, इसका रिजल्ट भी दिखाया है। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरी देखनी है तो स्क्रीन पे दिख रही है और आप लोगों को मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग से रिव्यूज़ आप लोगों को मेरे चैनल पे देखने को मिलते रहेंगे। तो उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड छोटे सा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों के पास का नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप लोगों से कोई भी मेरी वीडियो मिस ना हो। मेरा थर्ड हेयर स्प्रे और ये है मेरा बहुत ही रेड कलर की क्यूट सी बॉटल, ये है मेरा गाइस एंजो का प्रीमियम हेयर स्प्रे। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, और इस बॉटल को देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे बहुत ही कलरफुल सी एंड एकदम पूरी गर्लिश वाली जो बॉटल होती है ना कुछ इस तरीके की लगती है। तो गाइज यहाँ पे जो ये है हेयर स्प्रे, ये लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्प्रे है एंड प्योर एंड फ्रेश एंड ब्यूटिफुल सा ये हेयर स्प्रे है एंड गाइज ये एडोर फ्रेग्रेंस के साथ आप लोगों को मिलता है एंड ये स्ट्रॉन्ग होल्ड देता है, लॉन्ग लास्टिंग है, नो ग्रीसी रेसिड्यूज विद फ्लैक्सीबल होल्ड हेयर स्प्रे। तो गाइज ये सारे ही जितने पॉइंट्स हैं ये इन सभी में गाइज ये यू नो फिट बैठता है, यानी कि इसका स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है और गाइज ये कोई भी इसमें रेसिड्यूज़ नहीं दिखेंगे आप लोगों को, ग्रीजी रेसिड्यूज़ एंड साथ में गाइज ये फ्लैक्सीबल होल्ड देता है, यानी कि अगर आप लोग इसे बहुत कम क्वान्टिटी में यूज़ करेंगे अपने हेयर्स पर और आप लोग अपने हेयर्स पे कहीं भी आप लोग इधर उधर हिलाना डुलाना चाहें तो अच्छे से आपके जो हेयर्स होते हैं ना वो मूव कर सकते हैं और अच्छे से आप उन्हें अगेन एंड अगेन सेट भी कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को 420 ml की बॉटल मिलती है और जो यहाँ पे इसका MRP मिलेगा आप लोगों को 249 rupees मिलेगा, 250 में आप लोगों को ये 420 ml की बॉटल मिलती है। गाइस क्या ही बताऊँ कितनी खुशी हो रही है मुझे ये आप लोगों को बताते हुए, और यहाँ पे जो इसकी सेल्फ लाइफ है वो आप लोगों को 4 की मिल जाएगी, यानी कि 4 साल तक आप इस हेयर स्प्रे को यूज़ कर सकते हैं। एक बार आप लोगों को यू नो 250 के अंदर पे करना है और आप लोगों को 420 ml की बॉटल भी मिलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है, काफ़ी बड़ी सी बिग इसकी बॉटल है। तो गाइज अगर इसके वर्क की बात करें तो इसका जो वर्क है वो अल्ट्रा शाइन देता, लॉन्ग लास्टिंग फिनिशिंग है इसकी और गाइज इसका जो क्लेम है कि ये 24 आवर्स तक आप लोगों के हेयर्स को सेट करके रखते हैं। तो गाइज ट्रस्ट मी, इसको मैं उसके लिए मैंने इसका यूज़ किया था, तभी मैंने इसको परचेज किया था। तो गाइज मैंने शाम को 7-8 o'clock के टाइम मैंने अपने हेयर्स को यू नो क्रिएट किया था, अगले दिन 9-10 मॉर्निंग 9-10 के अराउंड मैंने अपने हेयर्स को ओपन किया एंड वॉश किया, तब तक इसने मेरे हेयर्स को एज अ टिस सेट रखा था। यू कैन आप इसका डेमो देखना चाहते हैं तो डेमो मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को वीडियो आ रही है मेरी, यहाँ पे मैंने इसका डेमो फुल डेमो किया है एंड गाइस इसका पूरा डिटेलिंग में बात भी करी है, तो आप लोग अगर इसको परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। जो मेरा फोर्थ हेयर स्प्रे है वो है मेरा ये टेफ्ट का, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है कि इस ब्रांड के बारे में आप लोगों को बताना पड़े, सभी लोग इस ब्रांड को जानते हैं और 70-80% मेकअप आर्टिस्ट टेफ्ट ब्रांड का हेयर स्प्रे यूज़ करते हैं। तो गाइज ये आप लोगों को बहुत अच्छी पर्पल कलर की बॉटल में मिलेगा एंड ये है टेफ्ट का अल्टीमेट हेयर स्प्रे और यहाँ पे जो इसका लेवल है ना वो 5 नहीं है, 5+ है, यानी कि यू नो 5 से भी ऊपर वाला जो लेवल होता है ना वो वाला लेवल है, अल्टीमेट होल्ड देता है एंड प्लस ये आप लोगों को क्रिस्टल शाइन भी प्रोवाइड कराता है।
तो इसको स्प्रे करने के बाद आप लोगों के हेयर्स पे बहुत अच्छी सी एक क्रिस्टल शाइन आ जाएगी, जो आप लोग बहुत यू नो चाहते हैं कि बहुत अच्छी सी एक शाइन आ जाए स्प्रे के बाद। तो आप लोगों को 250 ml की बॉटल मिलती है एंड इसकी लाइफ जो है सेल्फ लाइफ आप लोगों को 3 ईयर्स की देखने को मिलती है। तो कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता दूँ। ये आप लोगों को अल्टीमेट होल्ड देता है एंड गाइस ये आप लोगों को ल्यूमिनस क्रिस्टल शाइन देगा, अप टू 72 आवर्स तक ये आप लोगों को होल्ड देगा एंड हेल्प करता है ये प्रोटेक्ट योर हेयर फ्रॉम ड्राइंग आउट एंड नो रेसिड्यूज और कोई भी आप लोगों के हेयर्स में वेटेज नहीं आएगा इस हेयर स्प्रे का एंड टू प्रोटेक्ट योर हेयर स्टाइल फ्रॉम ह्यूमिडिटी एंड विंड्स। यानी कि गाइस आप जब ऐसे समर्स चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है हमारे इन्वायरमेंट में और अगर हम लोग हवा में जाते हैं तो हमारे हेयर्स को ये किसी भी तरीके से यू नो मैसी नहीं होने देगा एज इट इज सेट करके। तो गाइस इसमें वेगन फार्मूला है तो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप लोग वेगन हैं तो। तो गाइस इसका जो टाइमिंग यहाँ पे बताई है होल्ड की वो 72 आवर्स तक है। तो गाइस इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊँ, इसको मैं लास्ट 4 to 5 years से इसे यूज़ कर रही हूँ और इसका होल्ड कोई ही नहीं बीट कर सकता गाइस। इसका एक्सट्रीम होल्ड है क्योंकि ये ऐसा हेयर स्प्रे है कि अगर आप लोग इसे एक बार डाल अगर अपने हेयर स्प्रे एक बार इसे यूज़ कर लेना तो आपके हेयर्स बिल्कुल भी इधर से इधर नहीं हो सकते अगर आपने अच्छे से सेट कर लिया है तो। तो गाइस ये है इसका डेमो, आप लोग जाइए ये वीडियो देखिए मेरी, बहुत अच्छे से मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है एंड गाइस इसका डेमो करके दिखाया है। अगर आप लोग परचेज करने की सोच रहे हैं तो ये वाली वीडियो आप लोगों की बहुत हेल्प करेगी, जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं मेरी वाली वीडियो। ये है मेरा लास्ट ब्रांड है मेरा उस्तरा, ये गाइस है उस्तरा का हेयर स्प्रे, ये हेयर फिक्सिंग हेयर स्प्रे है। आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ ये हार्ड सेट देता है एंड गाइस जो लेवल है ये अब तक के मेरे जितने भी हेयर स्प्रे थे सबसे ज़्यादा इसका लेवल है यहाँ पे, इसका जो लेवल है वो लेवल है यहाँ पे 6। यानी एक अच्छी चीज़ पता है क्या, इसमें आप लोगों को एप्पल साइडर विनेगर ऐड किया गया है एंड इजी वॉश फार्मूला है एंड नो शैम्पू रिक्वायर्ड है। तो गाइज ये तो मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाली हूँ कि इसमें शैम्पू का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो चलो उसकी डिटेलिंग देखते हैं। 250 ml की आप लोगों को ये बॉटल मिलती है और यहाँ पे इसका जो प्राइस है 499 rupees, यानी कि अंडर 500 आप लोगों को ये वाला हेयर स्प्रे देखने को मिलेगा एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो आप लोगों को 3 years की देखने को मिलती है। आप लोगों को एक फ्रेग्रेंस बता दूँ तो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है पर गाइस जो इसका वर्क है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसको मैंने बहुत टाइम यूज़ किया है, बहुत कम क्वांटिटी में मे भी इतना ही बचा है और इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। इसको मैंने मोस्टली अपने जैसे मैं यू नो बन बनाती हूँ, स्लीक हेयर स्टाइल बनाती हूँ तो उसमें इसका यूज़ बहुत अच्छा रहता है, इसकी शाइन भी बहुत अच्छी है। एंड ऑल्सो गाइस आप लोग अगर वॉल्यूम के पर्पज़ से ख़रीदना चाहते हैं तो ये स्प्रे बहुत अच्छा है, वॉल्यूम के लिए बहुत अच्छा है, मेंस लोग बॉयज़ इसे परचेज कर सकते हैं। उस्तरा जो एक ब्रांड है वो गाइस एक बहुत सारे यू नो मेंस के ग्रूमिंग वाले प्रोडक्ट लॉन्च करता है ऑनलाइन, तो गाइस ये उसी का है एंड यहाँ पे मैंने ये इसलिए मंगाया था क्योंकि मुझे देखना था कि इसका वर्क कैसा है, बहुत सुना था इसके बारे में। तो एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ ये हार्ड सेट देता है, यानी कि अपने स्प्रे करने के बाद आप लोगों के हेयर जो है ना बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाएंगे। तो इसका पूरा डिटेल में मैंने डेमो कर रखा है, आप लोगों को डेमो दिख रहा है, आप लोग जाके ये वाली वीडियोज मेरी देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है एंड आई बटन पे भी लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप लोग मेरी पूरी डिटेल में देख सकते हैं कि ये इसका डेमो कैसा है। तो गाइस ये थे मेरे 5 हेयर स्प्रे एंड मेरे मोस्ट फेवरेट 5 top 5 हेयर स्प्रे जिसे मुझे यूज़ करना बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको 4 to 5 years हो चुके हैं मैं इनको यूज़ कर रही हूँ अपने हेयर्स पे अलग अलग हेयर स्टाइल के लिए। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों की हेल्प कर पाई होगी। अगर आप लोग इनमें से कोई एक परचेज करने की सोच रहे हैं तो गाइस प्लीज़ यार एक बार ये टेफ्ट वाला स्प्रे जरूर परचेज करके देखिए एंड अगर आप लोग कोई मिनी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लोग ये वाला जो कैट्स वाई का है ना ये वाला देख सकते हैं, बहुत ही कम 110 rupees का ही आप लोगों को मिल जाता है ऑनलाइन और बहुत अच्छा वर्क है, आप लोग इसे आराम से कैरी कर सकते हैं। तो अगर गाइज आप लोग अच्छा एक मतलब कम रुपीज़ में और एक अच्छा स्प्रे लेने की सोच रहे हैं और जिसका यू नो क्वांटिटी भी बहुत हो तो आप लोग ये एनजो वाला परचेज करके देख सकते हैं। ये आप लोगों को 420 ml की ओनली
250 के अंदर ही आप लोगों को 230 या 240 के अराउंड ये बॉटल मिल जाती है। बहुत ही यू नो चीप प्राइस में आप लोगों को ये हेयर स्प्रे मिलेगा और इसका वर्क तो एक्सट्रीम है ही। गाइज अगर आप लोग यू नो बॉयज़ अगर मेरा रिव्यू देख रहे हैं तो गाइज आप लोग ये वाला स्प्रे यू नो परचेज करके देखिए, ये आप लोगों को नोवा गोल्ड एंड ये उस तरह का बहुत बेस्ट है, ये बेस्ट अच्छे से वॉल्यूम देता है हेयर स्प्रे, तो आप लोग ये वाला ले के देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे इनके प्राइस जो है वो आप लोगों को डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगी एंड ये आप लोगों को 500 के अंडर में मिल जाते हैं, पर इसका प्राइस मैं आप लोगों को डिस्प्ले में मेंशन कर दूंगी कितने रुपए में ये आप लोगों को मिल जाएगा। और ये 420 ml की बॉटल मिल जाती है और यहाँ पे जो इसकी ml है ये आप लोगों को 250 ml की मिलती है। कैसे लगी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो हेल्प करी हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, छोटा सा बेल आइकन होगा प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट है हेयर स्प्रे की, अगर आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके सारे डिस्प्ले में उसकी वीडियोस आ रही हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं एंड उसके सारे के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रखी है तो वहाँ पे भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आप फॉलो कर लो, मेरा इंस्टा का लिंक ऊपर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो बताना मत भूलिएगा कैसी लगी और इनमें से कौन सा हेयर स्प्रे है जिसे आप लोगों ने यूज़ किया है, कौन कौन सी हेयर स्प्रे आप लोग यूज़ कर चुके हैं और कौन सी हेयर स्प्रे की वीडियो देखने आई थी ये वाली, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना प्लीज़, यार कमेंट करा करो, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। तो चाहे गाइज मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अगर किसी और टॉपिक वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करना और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। बाय बाय।